So this is my room. और ये एक बलून है और बिल्कुल इसी तरह हम इसी कमरे में 1000 बलून डालने वाले हैं। इस कमरे में 1000 बलून डालना बहुत महंगा पड़ेगा and it's gonna be very hard. So I've called some backup. अब आप लोग सारे सोच रहे होंगे हमसे ये आइडिया है तो बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें आइडिया आया कहाँ से? हुआ कुछ ऐसे था कि मेरे घर में बर्थडे थी और मेरा काम था कि मैं जाके बलून लाऊं और मैं गया 10 बलून लेने। 10 बलून देख के मैंने कहा कि ऐसे क्यों ना करूं, मैं 10,000 बलून अपने कमरे में रखूं। फिर मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत आ गई और मैंने कहा 10,000 बलून तो बहुत ज्यादा है, लेट्स स्टिक टू 1,000। अभी आइडिया है तो बहुत आसान, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हमने बलून वाले ढूंढना है, तो लेट्स मेक अ कॉल। ये मेरे पास एक बलून वाले का नंबर है जिसका नाम है शौकत बलून डेकोरेशन। तो अभी शौकत भाई को फोन करते हैं, चेक करते हैं क्या सीन है। वालेकुम अस्सलाम, ये शौकत भाई बात कर रहे हैं जी? ये बलून आपके पास होते हैं? अच्छा, ये मुझे बलून चाहिए थे। कब चाहिए? 2 घंटों में। कितने चाहिए? 1,000। इतना हर इंसान की जिंदगी में कितने मुश्किलात, लेकिन करना भी तो पड़ता है फिर। अरे वैसे भी आजकल सारे लोग कह रहे हैं डू इट फॉर द व्लॉग, मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन बस कहते हैं। तो 2 घंटों में आ सकते हैं आप? चलिए, अब आपको जरूरत है, आपको इमरजेंसी पे चले, कोशिश करते हैं। क्या बात है, अब हमारा बलून वाला फाइनल हो गया है एंड नाउ वी वेट। एक बेटी है, 4 साल की अभी, उसका सालगिरह है। चारे के ना पाँव टूटे हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में उसके कितने साल रह गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छी तरह एक सालगिरह का आखिरी मना लें। चलो सर, हमारे से जितना बेहतर हो इंशाल्लाह वो करेंगे हम। उसको भी फारिग करें ना काम करके। चलो, छोटी है अभी, स्कूल जाती नहीं है, फजूल में टाइम ज़ाया करती है हमारा भी। मार के देखता है, कुछ नहीं होता, समझती नहीं है। देखो जी, अल्लाह की नेमत है, इसको सबसे पहले मारना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। और अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे तकरीबन 300 बलून आ चुके हैं, बड़ा लंबा सफर है। तो व्लॉग बनाते हुए वी रन इनटू अ स्मॉल इशू, मसला ये हो रहा है कि जो टैंक था जिसमें हीलियम था सारा, उसका प्रेशर खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अब हम और बलून्स नहीं भर सकते। देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ प्रे, फिंगर्स क्रॉस कि कुछ हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा बैड सीन लग रहा है। मैंने सबको टाइम बताया हुआ था तकरीबन 2:30-3 बजे का, अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, हमारे आधे से भी ज़्यादा बलून्स रहते हैं। भाई कह रहे हैं गर्म इतना हो जाता है मेरी वजह से, पाउडर की वजह से। इट्स टाइम टू फिल सम मोर बलून। तो अब ये सारे बलून तो हवा में, अब हमें चाहिए थोड़े से बलून जो जमीन पे भी हों, बिस्तर पे भी, ताकि पता चले कि पूरा कमरा जो है वो भरा हुआ है। इट्स टाइम टू फिल अप। और अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये बलून भर गया है। मसला ये है कि मुझे इसको बांधना नहीं आता, बांधना आता है थोड़ा सा मसला है, तो इसका देयर इज नथिंग टू डू। Let's go get someone to fill it up. और अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बलून आ गए। आप लोग परेशान थे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि we have balloons. बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए हमारा कमरा हो गया तैयार, बलून सारे भर गए हैं, मैं कहता हूँ बिस्तर भी सेट हो गया है, और मुझे लगता है सुभान बाहर आ गए। Let's call him and see where he is. अस्सलाम वालेकुम, कहाँ पहुँचे हो? मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करके मैंने रखा हुआ है। बस मैं आ रहा हूँ, लेट्स गो। कैसे हो? अब तुम जरा अपनी आंखें तो बंद करो, लेट्स गो सुभान। मैं तुम्हें कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सामने कुछ हो रहा है। चलते जाओ, चलते जाओ। किधर चलते जाओ? तुमने मुझे एक दफा कहा था कि तुम्हारा सपना था एक। यार मेरा कोई सपना नहीं था यार, मेरे सपने मर गए। 1, 2, 3 कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा सरप्राइज है, कमरे में आ जाओ। अच्छा सुभान, पहले बताओ तुम्हें लगता है क्या है? गुब्बारों की खुशबू आ रही है मुझे। 1, 2, 3 यार तू नहीं आएगी। मैंने अपने कमरे में 1000 गुब्बारे डाले। मैं मतलब ये क्या है मुझे बता यार, ये रात को फटेंगे फिर तू उठेगा। ये तो मैं तुम्हें देने वाला था। खैर, एक चीज जो हम कर रहे हैं, जो भी बंदा आता है उसको हीलियम करना पड़ता है। Let's go to the helium. भाई से कुछ होता तो नहीं है? आग से बुझा आग। मेरे दिल में जो आग लगी उसको कौन बुझाएगा? सुभान, तुम पहले कर लो ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो पहले तुम्हें हो और मुझे पता चले। नहीं मैं ठीक हूँ। हेलो, ये क्या है? ये क्या पिला दिया है? ओए हीलियम नहीं है, अभी मैंने पिया है तो भाई कहते हैं इसमें तो मसाला था। अब हमारे गले बिल्कुल ही ना हो गए। अच्छा
अब आपस की बात है, ये इनहेल हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन जो अगला बंदा आ रहा है उसको हम पूरा इनहेल करवाएंगे। से अगर तूने 20 बलून इनहेल कर लिए तो 50 रुपए तुम्हारे, 50 रुपए। गुड, दैट्स इट फॉर नाउ। सुबह कुछ कहना चाहोगे सबके लिए? यार मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, कि हमारा अंदरून सिस्टम सारा खत्म हो गया है इसके व्लॉग्स के चक्कर में। गुड, दैट्स इट फॉर नाउ। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन 400 बलून्स हैं, ये सारे बलून हैं। इफ आई जंप थोड़ा सा हल्का होता है, अब मुश्किल काम होगा इसको अंदर लेके जाना। तो अब हमारा कमरा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब आप लोगों ने तो देख लिया कि कमरा मेरा सेट हो गया बलून्स के साथ। अब इट्स टाइम टू कॉल अली और उसका चेक करते हैं कि उसको कैसा लगता है हमारा सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्या बात है, मास्क कैसे पहन के बैठा हुआ, कोरोना के बीच में लेटे हो। इसी बात पे तुमने जो खुश खबरी दी है कि तुम दिसंबर में आ रहे हो, इसी बात पे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3। यार 1000 बलून्स मैंने अपने कमरे में 1000 बलून्स भरवाए। अब हमने अली को तो सरप्राइज कर लिया है, अब हाशिर की बारी। आज हमारा नंबर 2 मेहमान आया है। नंबर 2 पहला कौन था? पहला वो तुम्हें बता नहीं सकते अभी, लेकिन आंखें बंद तुम्हें रखनी होगी, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कोई कुत्ता शाम शाम को ज्यादा तो पड़ेगा वो कुछ भी बिना वजह टेंशन ले रहा है। चीटिंग नहीं करती तुमने, आज 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 अंदर आ। तुम्हें क्या लग रहा है क्या होगा अंदर? तुम्हें सांप से डर? आंखें नहीं खोल ली तुमने, सांप से डर लगता है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे ले लो, पीछे से मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ। इतनी क्या, वैसे घर में तुमने ये काम शुरू कर दिया? नाइस यार, मैंने अपने कमरे में 1000 बलून्स डाले हैं। ब्रो गुड यार, गाइस यार कसम से बहुत नाइस। तुम चाहो तो कहीं से भी खींच के कोई बलून निकाल सकते हो। हाशे जो भी बंदा आ रहा है ना वो एक चीज कर रहा है, वो हीलियम लेके ना कुछ बोल रहे हैं। रेडी गो। क्या हुआ पूरा? अच्छा बस 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 ठीक हो? पीछे वाला गैस है, इसके साथ नुकसान। आप मुझे चाहते थे मर जाऊं, एक यूट्यूब पे कम हो जाए। आपकी ये जो हरकतें हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप नहीं चाहते मैं 1 मिलियन हो, ये बदतमीजी कर रहे हैं। अब मसला ये हो गया है कि मैंने अपने कमरे में इतने बलून डाल तो दिए हैं, अब इनको निकालने का चक्कर नहीं समझ आ रहा। और इसी तरह तुमने 1000 दफा करना होगा। मुझे एक बेहतर आइडिया मिला है जो थोड़ी खामोशी के साथ हो जाएगा। क्या? इनको आप बाहर लेके जाते हैं और वहां पे उड़ा देंगे। मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इस वीडियो की प्लानिंग में। गलती तूने YouTube बना ली है। इनको निकालना इस वक्त कोई आसान काम नहीं लग रहा, लेकिन लेट्स सी। ऐसे आपस की बात है, अगर हाशिर इस ब्लॉग में उड़ गया ना तो इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स होने चाहिए। पीछे तो देखो, और पीछे मैं हूँ अहमद, क्योंकि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, तुम्हारे दिन खत्म हो गए। वी आर एट वॉर, हमजा अमीन वर्सेस अहमद शाह इस वक्त चल रहा है। आप लोग मेरा YouTube का बैनर तो देख चुके होंगे और आप लोगों को पता चल गया होगा गेम खत्म है। चैनल वो क्यूट है, तुम क्यूट नहीं हो, इस वजह से तुम मशहूर नहीं होते। एक फेस वजह से मैं 3 सालों से YouTube पे लगा हुआ और मेरे अभी तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए, और ये जो अहमद शाह इसके 1.4 मिलियन हो गए हैं। सब ठीक हो, नहीं होगा, नहीं होगा। वो अपने वीडियो में कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ अहमद, अब बताओ। हमने क्या क्या किया, हमने अपने कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए, पैसे लगा दिए सारे ब्लॉग में हैं, और तुम यहाँ पे आ गई व्यूज। हम क्या मार्जिन क्या करें, हम हमारी फीलिंग लिए। और इसी बात पे अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, डू सब्सक्राइब इस चैनल और अहमद शाह से ज्यादा बढ़ाएं। और या We are at war. War. On to the vlog. अच्छा अब हम बाहर आ गए, मेरे पास है 1000 बलून्स। हाशिर ये लो, ये हुए तुम्हारे। Thank you, man. लेकिन शर्त ये कि तुमने चेक करना है कि तुम उड़ सकते हो उनके साथ या नहीं। मैं उड़ा हवा में नर, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हाशिर तो उड़ नहीं सका, लेकिन हाशिर का वजन भी मुझसे ज्यादा है। मैं हूँ कोई 80 किलो का। हाशिर अभी अभी खा के आया है बिग मैक शिग मैक, तो उसका वजन थोड़ा हैवी है, तो अभी मैं कोशिश करके चेक करता हूँ। देख के देख के देख, मैं ठीक हूँ।
ठीक हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, तमीज से रहना ऊपर जाके, ठीक है, और हमें दुआओं में याद रखना, भूलना ना। मेरे बच्चों क्या रहे हैं? लोग कह रहे होंगे पता ही कहाँ से, किसके घर से बच्चे आ रहे हैं। और बिल्कुल बलून्स की तरह दिस ब्लॉग इज ओवर, आई सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।